जो पढ़ने को दिया जाएगा उस प्रोग्राम में, यानी कि बेसिकली सूफी स्किल्स में, पहली चीज़ तो ये बता दूँ कि होगा क्या उससे, यानी कि आप क्या क्या फैज़ होगा। अल्लाह के करीब अगर बोलो कि जी अल्लाह के करीब हो जाऊँ, तो अल्लाह के करीब तो नमाज में कोई कमी है क्या? इज़ देयर एनीथिंग लेस इन इट? कोई चीज़ तो नहीं रह गई। कुरान रखा हुआ है अलमारी के ऊपर, अच्छी तरह साफ़ करके मट्टी हटा के जो बरसों से नहीं उठाया वो उठा लें, अल्लाह के करीब होना शुरू हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज़ें हैं शरीयत के अंदर, अल्लाह के करीब ही रहने के लिए बेसिकली आपको पैदा करीब किया गया था। अगर उसकी यानी कि आप बात सुनते अल्लाह ताला की तो करीब रहते, अगर भटक गए हो दोबारा स्टार्ट कर लो। कुर्बत की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है नॉलेज की। आई एम टॉकिंग अबाउट द हिडन मिस्टिकल नॉलेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द हिडन मिस्टिकल नॉलेज। ये नॉलेज नहीं है कल्ब जारी, कल्ब जारी जो है ना वो चक्कर ये है कि कल्ब रोशन किया जाता है, हम उसको रोशन करते हैं कि रोशनी हो आपके पास, रोशनी होगी तो आगाही होगी। आपके सेंसेस को बेसिकली एलिवेट किया जाता है, आपके जो पांच हवास खमसा हैं उनको एलिवेट कर देते हैं हम। आपको क्या लगता है मेरे एलिवेटेड हैं इस वक्त? मेरे अब्बा के जो है वो पीक ऑफ एलिक्वेंस तक एलिवेटेड थे, ठीक है ना। मेरे जो है वो इतने ही एलिवेटेड हैं कि आई कैन सिट एंड गाइड यू ऑल, ठीक है ना। आप लोगों के इतने एलिवेट तो नहीं हो पाएंगे लेकिन काफ़ी हद तक हो जाएंगे। आगाही का इल्म बेसिकली फाइंडिंग आउट, यानी कि साइकिक रीडिंग एंड स्टफ लाइक दैट, वो आप सीख सकोगे इससे एंड थ्रू द होली कुरान, थ्रू योर रेसिटेशन। पढ़ाई जो है कोई फिनोमिनल नहीं दी जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि चीज़ ये है कि इट विल बी लाइक अ शॉर्ट कोर्स, क्रैश कोर्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में, क्रैश कोर्स होगा। बट उसके साथ जो चीज़ कराई जाएगी आपके अपने हालात के मुताबिक पढ़ाई दी जाएगी, यानी कि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल या लतीफ़ों ही पढ़वाऊँगा उसी से आपको आगाही शुरू हो जाएगी, अगर मैं या जब्बारों पढ़वा दूँ किसी को उसी से रिस्क खुलना शुरू हो जाएगा, आगाही हो जाएगी। ये है मिस्टिकल नॉलेज, दीज आर द हिडन सीक्रेट्स ऑफ असमाए अल्लाह, द होली नेम्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, दीज आर द हिडन सीक्रेट्स कि हाउ टू यूज़ देम इन एनी सिचुएशन, नॉट इन वन सिचुएशन। आप किसी के पास मेरे अलावा चले जाओ मियाँ बीवी का, वुदू तो पढ़ लें, आप वुदू तो पढ़ लें सौ दफ़ा, सौ दफ़े में तो दाढ़ भी गिली नहीं होती, फरिश्ता भी नहीं हिलता अपनी जगह से सौ दफ़े में, टेल यू द ट्रूथ, भले वो कितना ही सूफी सेंट हो। नो इट डजंट वर्क लाइक दैट, ठीक है ना। इट वर्क्स इन अनदर वे, तादाद के ऊपर, वक्त के ऊपर, आप कितना टाइम लगाने को तैयार हो वदूदों के मलाइका के साथ, आप अल्लाह की राह में कितनी देर बैठने को तैयार हो। और इसके अंदर ये भी ऑप्शन दी जाएगी कि जो नीचे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी पे बैठ के पढ़ेंगे, जो कुर्सी पे नहीं बैठ सकते डाइनिंग टेबल के ऊपर, जो डाइनिंग टेबल के ऊपर कंफर्टेबल नहीं है, नाश्ते का सामान लगता रहता है, बच्चे आते रहते हैं, वो जो है सोफे के ऊपर भी पढ़ सकते हैं, बेड के ऊपर नहीं पढ़वा सकते। ये वज़ाइफ, ये पैटर्न जो है वज़ाइफ का सूफी स्किल्स के पैटर्न में, यू कैन नॉट रीड इट। वक्त एक होगा, जगह एक होगी, ये मैं अभी से बता दूँ, वक्त और जगह की पाबंदी होगी। और अगर शादी में जाना है नहीं जाना है वो आप लोग अपने वक्त मकामी वक्त के मुताबिक जो है ऐसे टाइम वजीफा करेंगे कि फिर उसके अंदर फिर कोई चीज़ ना हो, यानी कि आप और आपका खुदा हो, देर इज़ नो थर्ड थिंग इन बिटवीन या सोच में या कहीं पे, दैट्स अबाउट इट। क्योंकि जिसका नाम पुकारोगे उसी को उसी की तरफ जाओगे या वो आपकी तरफ आएगा, डिपेंड्स हाउ यू कैन पुल और हाउ यू कैन पुश योर सेल्फ। क्योंकि पुल है और पुश है, वो नहीं खींचेगा, वो नहीं क्या कहते हैं आपको पुल करेगा, ठीक, पुश करेगा, बट द थिंग इज दैट हाउ मच यू कैन पुश योर सेल्फ एंड हाउ मच ही कैन पुल यू, दैट डिपेंड्स व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग एंड सी, लेट्स सी हाउ इट परफॉर्म्स। तीन हफ्ते में या महीने में एक प्रोग्राम होगा। ख्वाब जो हैं बेसिकली वो आप रोज़ के रोज़ लिखोगे क्योंकि आगाही शुरू हो जाएगी। जो भी ख्वाब आए, आई डोंट केयर कि उसके अंदर जो है दम मारो दम आ रही है या क्या कहते हैं गुलाब चंद आ रही है मैग्नीफाइंग ग्लास लेके इंस्पेक्टर क्रूसो बनी हुई, डजंट मैटर। जो भी ख्वाब आएगी वो रोज़ के रोज़ लिखोगे, और अगर कोई घपला हो गया है वजीफे में तो वहाँ पे एक एडमिन, मैं देख रहा हूँ कि कोई मिल नहीं रहा मुझे, तो एक एडमिन जो है डालूंगा, ठीक है ना, वो एडमिन आपको मेरे से कनेक्ट करेगा, यानी कि वो एक एडमिन, आई एम लुकिंग फॉर समवन हु कैन डू दैट। लेकिन वो एडमिन जो है वो बाकी ग्रुपों से ला तल्लुक ही होगी, उसी मैं बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ कि उसी के अंदर से एक